ये क्या कर रहे हो भाई? ये कांच के रेजे कलेजा काट के रख देंगे। कलेजा पहले से ही छलनी है, थोड़ा और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लगता है दर्द सहने का शौक है। शौक नहीं, मजबूरी है। बेरहम कानून ने 10 साल पहले ही मुझे हर दर्द सहने पे मजबूर कर दिया। वो किस तरह बता सकते हो? तुम पहले आदमी हो जो मेरा दर्द जानना चाहते हो। नाम अर्जुन है। 10 साल पहले मैं फौज में था और एक दिन जहाज मेरे का गोला बारूद और हथियार और देश की धज्जियां उड़ा दो। अरे ये कौन आ रहा है? लगता है कोई फौजी है। उड़ा दो साले को बम से। देख लिया अपने साथियों का अंजाम। अब अगर हाथ पैर हिलाएगा तो इनके पीछे पीछे तू भी ऊपर चला जाएगा। अरे फौजी, अरे तेरा सिर फिरा क्या रे? अरे हमसे मत टकरा, जाके फौज में मौज मना। लोहे की छड़ी हाथ में लेकर हमें मत डरा। सर फिरे फौजी डराते नहीं, गिराते हैं। उन दुश्मनों की लाशें जो बॉर्डर पार से हथियार लाकर देश में तबाही मचाते हैं। अरे फौजी, तू ठाकुर विकराल उर्फ महाकाल के जुल्म का हालचाल नहीं जानता। ठाकुर जिस गांव से गुजरता है, पैदा होने वाला बच्चा डर के मारे मां के पेट में ही मर जाता है। तब तो तूने पैदा होते ही अपनी मां को मार डाला होगा। चल, कानून के हाथों अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा। अबे भौजी, कानून से वफादारी करके किसका भला हुआ है जो तेरा भला होगा? कानून सिर्फ भले के लिए ही नहीं, तुझ जैसे नासूरों को मिटाने के लिए भी बना है, जो भारत देश को चलता हुआ जंगल बनाना चाहता है। विक्राल, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ने लगी? अरे आज मैं हवा में उड़कर नहीं आता तो वो फौजी का बच्चा हवालात में मुझे जूतों का हलवा खिलाता। मैं जानता हूँ उस फौजी को, उसका नाम है अर्जुन। नाग से ज्यादा खतरनाक है। अगर वो फौजी नाग है तो मैं अजगर हूँ। अजगर, अगर उसने मुझे डसा तो मैं उसे पूरा निकल जाऊंगा। जिस करिश्मा पे तुम्हारी नजर थी, अर्जुन ने उसे शादी कर ली। अरे वो करिश्मा जिसे मैं चाहता हूँ, मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकती। अर्जुन, अर्जुन। करिश्मा, मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो, बाहर आ जाओ। अगर मुझसे प्यार करते हो तो तलाश कर लो मुझे। ठीक है, तुम इसी तरह कंगना खनकाती रहो, पायल छनकाती रहो, मैं तो चला। अर्जुन जरा रुको तो, अब तो पास आ जाओ। मैं तुमसे दूरी कब था जो बार बार अपने पास बुलाती हो?
यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ के रहने वालों को विकराल ने चुन चुन कर मार डाला। पूरी बस्ती विकराल के कहर का शिकार हो गई। अब विकराल का कहर उसके लिए जहर बन जाएगा। तुम जाओ, इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मैं मौत का धमाका करूंगा। जाओ। अर्जुन ने मेरी पैदा की हुई दहशत और सन्नाटे को तोड़ डाला। अब मैं अपनी स्टाइल से करिश्मा दिखाऊंगा। अब मैं अपनी स्टाइल से कलाम मचाऊंगा। अर्जुन भैया कसम हो गया। क्या हुआ? विक्रांत ने करिश्मा को अगवा कर लिया। साल बाद आजादी के दिन मुझे रिहा कर दिया गया। पर एक दिन अचानक मुझे मालूम हुआ कि विकराल जिंदा है।
और मेरी जगह तुमने मेरे हमशक्ल को मार डाला। बस अब तो मेरे मरकर जिंदा रहने का राज खुल गया ना, अब तो मुझे जाने दे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारने के इल्जाम में कानून मुझे सजा दे चुका है। तुझे दोबारा मारने के बाद कोई जज मुझे सजा नहीं सुना सकता। जज साहब के पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, मुझे छोड़ दिया गया और तब से मैं इसी तरह भटकता रहा।